नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। लंबी अवधि के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने और अच्छी खासी पूंजी खड़ा करने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश एक अच्छा तरीका माना जाता है। ये महंगाई को मात देने वाला रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। ऐसे में आइए बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश की कैसी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी और कैसे आगे बढ़े, और इस पर हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है क्रिस्टी मथाई जी, जो फंड मैनेजर हैं इक्विटी क्वांटम म्यूचुअल फंड के, साथ ही वो को फंड मैनेजर हैं क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड और क्वांटम टैक्स सेविंग फंड का। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। धन्यवाद तन्वी मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड्स की ओर निवेशकों का रुझान है वो हम देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोग काफी इंटरेस्टेड अब हो चुके हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे, ये ट्रेंड क्या आगे भी जारी रहेगा और आगे क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है? तो आप देखेंगे काफी सालों से, स्पेशली आप लास्ट ईयर का भी डेटा देखेंगे, म्यूचुअल फंड फोलियोस और म्यूचुअल फंड यूनिक इन्वेस्टर्स काफी बड़े हैं। ऑलमोस्ट मैं सितंबर क्वार्टर की बात करूं, आप देखेंगे कि 10% इंक्रीज साल वाईओवाई हुआ है इन जस्ट द यूनिक इन्वेस्टर बेस में, और फोलियोज भी प्रोपोर्शनेटली बड़े हैं। तो इंडिया का जैसे ही फाइनेंशियलाइजेशन इंप्रूव होता है, एंड वो हम देख रहे हैं कि आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लें, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट से लेकर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, सब में देर इज इंक्रीज। तो वो फाइनेंशियलाइजेशन जैसे इंप्रूव होता है तो म्यूचुअल फंड्स भी उस ट्रैक पे इंप्रूव होता है, और एक नीड भी है। अभी आप इन्वेस्ट करने जाएंगे, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो उनके पास ऑप्शंस, एक तो बैंक एफडी है जो टाइम पर टाइम डिफरेंट रिटर्न्स दे सकते हैं, मे बी कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, बट आप सबको कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स काफी आसान और इजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है विद गुड रिटर्न्स। सो आई थिंक ये ट्रेंड तो काफी कंटिन्यू होगा आगे ये जाकर, एंड वो फाइनेंशियलाइजेशन जैसे इंडिया का बढ़ेगा। जी, म्यूचुअल फंड की अगर बात कर रहे हैं हम जैसे, तो उसमें आप नया ट्रेंड क्या देख रहे हैं और वो ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल्स बताएं। राइट, SIP का ट्रेंड अभी काफी दिनों से चल रहा है। अभी आप अगर पिछले महीने की बात करें, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ इस मंथली SIP का बुक है, तो वो हर महीने इंप्रूव भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। सो आई थिंक SIP सबसे बड़ा ट्रेंड है। अभी कोई भी इन्वेस्टर से आप पूछते हैं तो दैट इज देयर प्रिफर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट भी, तो दैट इज क्लियरली अ ट्रेंड। और वेरियस प्रोडक्ट्स में अब अगर बात करें, देयर इज टॉक हो रहा है कि अगर मेरे को पैसिव जाना चाहिए या एक्टिव जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी इंडिया जो अभी कोई भी एक्टिव फंड भी देखेंगे, देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी अल्फा रिटर्न करने के लिए। सो वो जो ट्रेंड भी है, एक्टिव पैसिव, काफी इन्वेस्टर्स वो फैक्ट से ग्रैपल कर रहे हैं कि मैं एक्टिव जाऊं पैसिव जाऊं, सो दैट इज अनदर बिग ट्रेंड जो इंडिया में भी नहीं वर्ल्ड ओवर हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड्स। और जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन आप अगर देखेंगे, नॉट जस्ट द मेट्रो सिटीज, वो काफी रूरल बेल्ट्स में भी हो रहा है, एंड बियॉन्ड B30 सिटीज भी काफी पेनिट्रेशन हो रहा है। सो ऑल दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड्स जो हम देखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। जी, आपने एक्टिव और पैसिव फंड्स की बात की, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में बता दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसके बारे में समझ सके। हाँ, तो एक्टिव फंड आप अगर देखते हैं तो इट इज सिंपली कोई एक फंड मैनेजर को आप आपका इधर SIP या लमसम इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, तो ब्रॉडली उससे एक्सपेक्टेशन होता है कि द फंड मैनेजर जो जिनका रिटर्न्स हमेशा कोई इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या कोई भी ब्रॉडर इंडेक्स जैसे BSE 500 के अगेंस्ट में कंपेयर किया जाता है, राइट? तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो फंड मैनेजर आपको अल्फा देगा ऑन टॉप ऑफ दैट इंडेक्स, सो दैट इज प्योरली एक्टिव। सो उसके लिए फंड मैनेजर विल टेक एन एक्टिव फीस आल्सो जो फंड मैनेजर को देना पड़ता है। बट अगर आप पैसिव की बात करें तो आप पैसिव में इन्वेस्टर इज ये इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट आपको कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट फी देना नहीं पड़ता। सो वही मेन रिटर्न डिफरेंस है बिटवीन एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट। और पैसिव में काफी व्हीकल्स हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए,
वेरियस वेज, वो भी मेरा ऑप्शंस आपके पास है। जी क्रिस्टी जी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, ऐसे में क्या इक्विटी फंड एसआईपी में इस वक्त निवेश करना अच्छा समय हो सकता है, या 2024 के इलेक्शंस तक आप वेट करने की सलाह देंगे? अभी मार्केट को प्रिडिक्ट करना, वो भी 6 मंथ्स 3 मंथ्स, वो बहुत डिफिकल्ट है। कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें, 3 साल 5 साल 7 साल, एट वेरियस पॉइंट्स आपके रिटर्न्स अच्छे ही रहे। इनफैक्ट मैं एक डेटा पॉइंट देता हूँ, जिसमें अगर ये 20 साल का डेटा है, गोइंग बैक 1996, आप अगर देखेंगे तो अगर आप इस पीरियड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 साल के ऊपर है, तो आपका लॉस बनाने का चांस इस जीरो। आपने मिनिमम 5 या 6% रिटर्न के अगर बनाया है, अगर आपका 7 साल के ऊपर आप इन्वेस्टेड है, ये 20 साल के किसी भी पीरियड में, इस ये जीएफसी क्राइसिस के पीक पे हो सकता है, या उस बॉटम में, पीक में, या बिग यूफोरिया वाले पीरियड में भी हो सकता है, बट स्टिल आपका रिटर्न 7 साल में पॉजिटिव रहा है। इलेक्शन इज एन इवेंट, आपका नियर टर्म मे बी उसके हिसाब से डिसाइड होता है, बट इन्वेस्टर को डिसिप्लिन होना चाहिए। स्पेशली आपने अगर कोई एसेट एलोकेशन आपका सोच लिया है, तो वो एसआईपी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। वो डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपके नियर टर्म फैक्टर्स। जी, हम देख रहे हैं कि इस साल स्मॉल कैप फंड्स में जिन्होंने पैसा लगाया था उन्हें काफी अच्छा रिटर्न मिला है, और आपके हिसाब से क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि जितना ज्यादा रिटर्न है उसके पीछे उतना ही ज्यादा रिस्क भी रहता है, तो आप क्या सलाह देंगे? करेक्ट। आप अगर स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, तो इस स्मॉल कैप का भी काफी साइकिल्स होते हैं एंड डीप साइकिल्स होते हैं। तो आप अगर देखेंगे 2018 में काफी करेक्शन हुआ था स्मॉल कैप का, एंड जो स्मॉल कैप इंडेक्स जब स्टार्ट हुआ जर्नी, दैट वाज आप कोविड के बाद से। ब्रॉडली इफ आप डेटा पॉइंट ट्रैक करेंगे, तो ये देखेंगे कि ग्लोबली जब मनी फ्लो लिक्विडिटी बड़ा है, तो स्मॉल कैप फंड्स में भी स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अच्छे किए हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। इनफैक्ट मैं ये डेटा पॉइंट देख रहा था, फेब्रुअरी तक, कोविड के बाद से फेब्रुअरी तक, अगर आपका स्मॉल कैप रिटर्न्स देखेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आप लार्ज कैप से कंपेयर करेंगे, तो लार्ज कैप ने अच्छा किया है। और बट फरवरी मार्च से आप देखेंगे कि काफी तेजी आई है स्मॉल कैप इंडेक्स में, एंड टू थ्री रीजंस अकॉर्डिंग टू मी। एक तो आप देखेंगे कि जो कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, एंड व्हाई इट हैज इंप्रूव, कि आप देखेंगे कि सम इनपुट कॉस्ट जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए थे, वो काफी हाई थे इन FY 23, जो लास्ट ईयर आप देखेंगे, बट उसमें गिरावट आई है, तो वो सीधा मार्जिन पे जाता है। तो लॉट ऑफ स्मॉल कैप्स हैव सीन कि उनका मार्जिन एक्सपैंड हुआ है इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो दैट इज वन ट्रेंड, और ये ट्रेंड अकॉर्डिंग टू मी ये नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि जो डिक्रीज हुआ था वो कैचअप हो चुका है। सो देयर शुड बी सम, आप देखेंगे फंडामेंटली देखेंगे तो उनका मार्जिन शुड कंप्रेस। बट ग्रोथ आप देखेंगे कि इंडिया का ग्रोथ एज अ होल काफी अच्छा रहा है कोविड के बाद, एंड वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स, वो फंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी काफी बेनिफिट किया है, एंड वो ग्रोथ में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू अस एक अपसाइकिल में है। आफ्टर आप अगर 2015 से 2020 का पीरियड देखेंगे, तो दिस वॉज अ पीरियड की इंडेक्स में भी अच्छा किया, पर इकोनॉमी पुअर किया था, बट अभी वी आर सीइंग अ रिवर्सल उसका। सो मे बी ग्रोथ विल कम, द मार्जिन्स कैन सप्रेस, वैल्यूएशंस में करेक्ट, बिकॉज अभी काफी स्टॉक्स में आप देखेंगे वैल्यूएशंस काफी हाई जा चुके हैं, सर्टेन पॉकेट्स लाइक डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स, काफी मल्टीपल्स जा चुके हैं, सो विच इज बेकिंग इन काफी ईयर्स का ग्रोथ। सो वहां पे रिस्क डेफिनेटली है। सो कंपैरेटिवली लार्ज कैप्स इज बेटर प्लेस ना, वहां पे वैल्यूएशंस आर रिलेटिवली कंफर्टेबल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू।
जी, जब बात हो रही है लार्ज कैप की, तो हम लार्ज कैप फंड्स पर ही सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई निवेश अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा है, तो सबसे पहले क्या आप लार्ज कैप फंड में निवेश करने की सलाह देंगे, या उसमें भी कोई क्राइटेरिया होता है कि किस एज, किस ग्रुप, किस तरह की उनके सेविंग्स है, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट के अपने स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? हाँ करेक्ट। सो एनी न्यू इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, सो हम लोग हमेशा एसेट एलोकेशन रेकमेंड करते हैं। जैसे इवन हमारे वेबसाइट क्वांटम एएमसी के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सिंपल एक टूल है जो एसेट एलोकेशन बहुत क्लैरिफाई करता है। सो सिंपल थिंग, आपका कोई भी इन्वेस्टर है, सो फर्स्ट थिंग इज आपके पास आपका लिविंग एक्सपेंस मिनिमम आप सेव करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी कैन गो हियर एंड देयर, जॉब मार्केट भी इधर उधर जा सकता है। सो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव सेव्ड एज योर यू नो एक्सपेंसेस, व्हिच हम लोग रेकमेंड करते हैं 12 महीने का, बट वो इन्वेस्टर के ऊपर है, किसी को 6 महीने चाहिए। सो वो आप सेफ लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करें, जैसे जो ज्यादा क्रेडिट रिस्क ड्यूरेशन रिस्क ना ले, जैसे क्वांटम लिक्विड फंड है। एंड उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आपका ग्रोथ पोर्शन है, तो उसमें 20% हम लोग बोलते हैं आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बिकॉज गोल्ड इज दैट इंश्योरेंस की वर्ल्ड ओवर कुछ भी खराब होता है, सो गोल्ड इज दैट इंश्योरेंस मोस्टली। एंड बियॉन्ड दैट, सो आपके पास जो भी मनी बचता है, लेट्स से आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो मे बी 20% इन गोल्ड, इट कैन रिड्यूस आपका रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। 80% आप बास्केट ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करें, जैसे हम एट क्वांटम रेकमेंड करते हैं मोस्टली वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड हाउस है, तो उधर ऑलमोस्ट लाइक हम रेकमेंड करते हैं ऑलमोस्ट 40% 45% वैल्यू फंड में। जो अभी मैं वैल्यू फंड के बारे में बताऊं, तो वो मोस्टली लार्ज कैप लिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। एंड देन बियॉन्ड दैट आपको ग्रोथ एक्सपोजर भी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा कॉर्पस आप वैल्यू फंड में नहीं डाल सकते, तो देर आर ग्रोथ फंड्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। एंड क्वांटम में देर इज एन ईएसजी फंड जो ग्रोथ फोकस है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस इज मोस्टली आपका लार्ज एंड मे बी सम मिड कैप एक्सपोजर। उसके बाद का जो हम रेकमेंड करते हैं 15% इज दैट अमाउंट दैट आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करके आपका इसको ट्वीक किया जा सकता है। जी, आपने वित्तीय सलाहकार से आप जरूर राय ले जो आप इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बेहतर आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने एसेट को एलोकेट करना है। हमने बात की वैल्यू फंड्स की, टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। इसके क्या फायदे हो सकते हैं, और किस तरीके से अगर कोई निवेश कर रहा है, अगर 10,000 उसके पास पैसे हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान कर रहा है, तो वो टैक्स सेविंग फंड्स में कितना एलोकेट करना चाहिए उसे? सो टैक्स सेविंग फंड आप इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका जो टैक्स बेनिफिट है, जो 1,50,000 है पर ईयर आपको गवर्नमेंट देती है, तो वो आप मीट कर सकें। और उसको मीट करने के लिए भी काफी वैरायटी ऑफ सोर्सेस हैं। सो आपका जो भी बचता है इन दैट 1,50,000 का ब्रैकेट में, दैट आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें इट कम्स विद 3 साल का लॉक इन। सो अगर आपको वाइल आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 3 इयर्स या हायर होना चाहिए, बट आप अपने आप को कंस्ट्रेंट ना करें कि मेरे को ये 3 ईयर लॉक इन में इन्वेस्ट करना है। सो बट बियॉन्ड दैट, टैक्स सेविंग फंड आप इसीलिए इन्वेस्ट करें ताकि आप टैक्स बेनिफिट्स, जो ATC डिडक्शंस बेनिफिट्स आप ले सकें। सो दैट इज द प्राइमरी गोल। जी, क्वांटम के टैक्स सेवर फंड के बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और उसका पेयर से कंपैरिजन थोड़ा सा अगर आप कर सके तो। सो टैक्स सेविंग फंड हम लोग वैल्यू स्टाइल में ही, सो हमारा वैल्यू फंड का जो पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फंड इज टैक्स सेविंग फंड। सो वो भी पूरा वैल्यू स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप अगर देखें तो 3 साल में काफी डिसेंट रिटर्न्स हैं इन टैक्स सेविंग फंड। एंड प्राइमरली ये कोइंसाइड होता है कि वैल्यू एज अ स्टाइल अच्छा कर रहा है। अगर आप देखें ब्रॉडर मार्केट्स में, वैल्यू और ग्रोथ का स्टाइल्स काफी पीरियड ऑफ टाइम कभी वैल्यू करता है कभी ग्रोथ अच्छा करता है, बट ब्रॉडली हम देख रहे हैं कि सम ऑफ द ग्लोबल रीजंस, लाइक अब जिस एनवायरनमेंट में अभी हो,
तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई. सो इन दैट एनवायरमेंट आप एन इन्वेस्टर काफी वैल्यूएशन कॉन्शियस हो सकता है. तो जैसे अगर एक एनवायरमेंट है जैसे 2016-17 में, जहां पे लिक्विडिटी इन द मार्केट, और इवन आप कोविड के बाद भी देखें तो लिक्विडिटी इन द मार्केट काफी अच्छा था. सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस कि आप वैल्यूएशन फॉर दैट स्टॉक विच इज डूइंग थोड़ा अच्छा, इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे, बट दैट वो निकल जाता है जब आपका इंटरेस्ट रेट ग्लोबली हाई होता है, तो पीपल आर वैल्यूएशन कॉन्शियस. ये वर्ल्ड ओवर होता है, इंडिया में भी हो रहा है. सो एज अ रिजल्ट आप देख रहे हैं कि वैल्यूज फंड्स इन जनरल अच्छा कर रहे हैं, एंड क्वांटम टैक्स सेविंग फंड्स ऑल्सो आप देखें, पियर्स कंपेरिजन भी अच्छा कर रहे हैं बिकॉज वैल्यू एज अ स्टाइल इज डूइंग वेल. और ऑल्सो आप देखें इंडियन इकोनॉमी आप कोविड के बाद से एक इकोनॉमिक अपसाइकिल में है, जो काफी डिलेड रिकवरी है हमारे हिसाब से. ये मे बी 2017 या 16 में आना चाहिए था, जो डिले हो चुका है. और ये इकोनॉमिक अपसाइकिल भी जनरली 3-4-5 ईयर्स का चलता है. आप सी रियल एस्टेट ग्रो हो रहा है कोविड के बाद, केपेक्स में बिल्कुल रिकवरी हो रही है थोड़ी बहुत, प्राइवेट अभी भी लैगिंग है बट गवर्नमेंट केपेक्स काफी अच्छा कर रहे हैं. सो इनका अंडरलाइंग और एक्सपोर्ट्स एज अ थीम इंडिया में भी इमर्ज हो रहा है. सो सम ऑफ दीज आप कंबाइन करें तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है. अभी जस्ट रिसेंट जीडीपी प्रिंट भी काफी स्ट्रॉन्ग था एट 7.6, काफी लोगों के लिए वो सरप्राइज भी था. ऐसे एनवायरनमेंट है जहां पे थोड़ा रिस्क है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, वैल्यूएशन कॉन्शियस है लोग, और बट ब्रॉड जी बेस्ड ग्रोथ भी है इकोनॉमी में, तो वैल्यू फंड्स जनरली अच्छा किया है. ये 20 साल के हिस्ट्री आपको बताती है. तो टैक्स सेविंग भी इसी रीजन से काफी डिसेंट कर रहे हैं. जी मैं ये जानना चाहूंगी, जब कोई निवेश करता है तो उसे क्या टाइम होराइजन दिमाग में रखना चाहिए? जैसे टैक्स सेवर में तो आपने बताया 3 साल का लॉक इन है, लेकिन जब भी मैं एक्सपोर्ट से बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि मिनिमम जो एक होराइजन होना चाहिए वो 5 से 7 साल का तो होना ही चाहिए, तो वैसे में 3 साल वाले लॉक इन से उन्हें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, करेक्ट है, आपका असेसमेंट भी करेक्ट है, बट ओनली थिंग इज कि आपको अगर सडन रिक्वायरमेंट हो फॉर दैट मनी एंड तो आप आर्टिफिशियली आपको कंस्ट्रेंट कर रहे हैं लॉक इन में. बट हमें हमेशा इक्विटी इन्वेस्टर को एटलीस्ट मिनिमम 3-5 ईयर होराइजन से इन्वेस्ट करना चाहिए. और इसका रीजन भी आपको बताया था वो डेटा कि 5 या 7 साल के बकेट में, इवन 5 साल में वो आपका मिनिमम रिटर्न एट सम पॉइंट 0 हो सकता है कभी भी, देर आर केसेस, बट 7 और 10 साल में आपका मिनिमम रिटर्न कभी नेगेटिव रहा है ही नहीं. तो किसी भी पॉइंट में पिछले 20 साल में आप एंटर करें तो दैट इज काफी कंफर्ट आता है फ्रॉम दैट, जस्ट लुकिंग एट दैट डेटा पॉइंट. तो टाइम होराइजन भी, और इक्विटी, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, आप एक ओनरशिप लेते हैं इन अ कंपनी, पार्ट ओनर, मे बी स्मॉल ओनर. सो आपको वो कंपनी, कंपनी को भी टाइम देना चाहिए टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ मीटिंग एक्सपेक्टेशंस. और कंपनी भी कभी 1 साल 2 साल 3 साल वो गोल्स होंगे बट इतनी छोटे टाइम फ्रेम में थिंक नहीं करते, दे भी वो भी 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म थिंकर्स हैं, राइट. सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और जो अंडरलाइंग कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अलाइन करना चाहिए ताकि आपको वो कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको मिले. जी बिल्कुल, डेटास भी इस बात की गवाही देते हैं कि अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते हुए कोई निवेश करता है तो उसे बेहतर रिटर्न मिलने की मैक्सिमम संभावना तो रहती ही है। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा ये होगा कि एक मुश्त निवेश या SIP शुरू करने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? तो SIP इन्वेस्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो आपका रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए. जैसे हम मैंने एक एसेट एलोकेशन आपके साथ शेयर किया, बट काफी इन्वेस्टर्स का डिफरेंट है. मे बी उनको स्मॉल कैप या मिड कैप में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि उनको लॉन्ग, मे बी उनको 10-15 साल के लिए पैसा निकालना नहीं है. सो मे बी उनका इन्वेस्टमेंट रिस्क एपेटाइट सब कुछ अलग हो सकता है. सो फर्स्ट आपको वो जानना है कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि अगर आप कोई भी इन्वेस्टर को देखें जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बेसिक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है. बेसिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका जीडीपी रियल टर्म्स में 6 से 6-6.5% ग्रो हो रहा है, लॉन्ग टर्म 6% ग्रोथ हुआ है.
इन्फ्लेशन 4-5% के आसपास रहा है, तो आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 11% नियर अबाउट रहा है। और इसमें अगर आप बेहतर कंपनी ढूंढते हैं, स्पेशली जो BSE 500 में है या BSE 200 में, तो मिनिमम रिटर्न्स आपका एक्सपेक्टेशन 2-3 परसेंटेज पॉइंट्स हायर है। और उसी में अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जाते हैं, जो वॉलेटाइल भी हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है उनमें, तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन दो अनदर 200-300 बेसिस पॉइंट्स होना चाहिए, राइट? सो वैसे आप पूरे रिटर्न से आपको कन्विंस होना है कि कहाँ पे आपको प्ले करना है, राइट? एंड ऑन दैट एलोकेशन एंड रिस्क एपेटाइट आपको फंड्स चूज करने इन दैट कैटेगरी, स्मॉल मिड या फ्लेक्सी कैप, वॉट एवर फंड्स। जी, बहुत बार लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि SIP करना ज्यादा बेहतर है या लमसम के जरिए निवेश करना अच्छा होता है। इसके पीछे भी क्या कुछ टेक्निकली लॉजिक हो सकता है या आपके पास जितने पैसे हैं उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं? राइट, सो लमसम में तभी एडवाइस करूंगा जब मार्केट में वैल्यूएशंस काफी फेवरेबल हो, जैसे कोविड फॉल में वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड काफी फेवरेबल है, राइट? तो आपको एट दैट वैल्यूएशन अगर आप लमसम करते हैं तो आपका रिटर्न्स भी एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था फ्रॉम इक्विटी मार्केट। बट इन मार्केट्स लाइक दीज, जो अभी आप लार्ज कैप की बात करें, निफ्टी 50, उनका वैल्यूएशन में भी स्लाइटली हायर देन हिस्टोरिकल मीडियन है, 5 ईयर 10 ईयर या स्लाइटली लॉन्गर टर्म में, तो इन सच ए पीरियड लमसम करना इज नॉट एज अट्रैक्टिव। बिकॉज SIP का फायदा है कि मार्केट के उतार एंड ट्रफ एंड बॉटम दोनों फेजेस में आपको पीक और बॉटम में आपको एक्सपोजर मिलता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट लेवल्स, और उसपे आप अगर टाइम करने जाएंगे तो वो काफी मुश्किल होता है। तो SIP इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, बट लमसम में कभी तभी एडवाइस करूंगा जब आपको वैल्यूएशंस काफी फेवरेबल में आपको मिले, सो विच अभी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। जी, क्या आप प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह देते हैं म्यूचुअल फंड में? सो प्रॉफिट बुकिंग एज अ फंड मैनेजर, लाइक हम लोग ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू अस, आप फॉर इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग तभी करना चाहिए जब आपके गोल्स मेट हो चुके हैं। जैसे आपने इन्वेस्ट किया फॉर अ सर्टन गोल, लेट्स से मे बी सम एजुकेशन गोल, मे बी सम कॉलेज फी, व्हाट एवर इट इज, तो वी वुड से अगर आपका वो नीड काफी पास आ रहा है, लेट्स से 5 ईयर होराइजन में आपने इन्वेस्ट किया था, आपका मे बी वो गोल मे बी 4th ईयर या 3rd ईयर में आ रहा है, मे बी वी शुड टेक उस टाइम पे थोड़ा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स एंड पुट इट इन अ सेफ लिक्विड फंड जहां पे आपको इक्विटी लाइक अनसर्टेनिटी ना हो। सो मैं वही बोलूंगा, अदरवाइज लाइक अगर आपका टाइम होराइजन काफी ज्यादा है, लाइक 5, 10 साल, 15 साल, सो आप इक्विटी मार्केट में बने रहिए, क्योंकि आज का बॉटम आप कभी भी पीक या बॉटम एकदम डिसाइड नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट एटलीस्ट इन द न्यू। क्वांटम के लार्ज कैप फंड्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करना चाहेंगे। किस तरह के फंड, किस तरीके से राइट आप एलोकेट कर रहे हैं और उसका पेयर के साथ थोड़ा कंपैरिजन हो सके तो? राइट राइट सो क्वांटम का वैसे लार्ज कैप फंड तो नहीं है, बट अगर आप देखें तो देर आर टू फंड्स। फर्स्टली वैल्यू फंड है, और विच इज वहां पे हम लोग जनरली वैल्यू फंड और टैक्स पेइंग फंड जो हम लोगों ने बोला आइडेंटिकल पोर्टफोलियोज, वहां पे वी आर ऐसा नहीं कि हमें लार्ज कैप ही चाहिए या मिड कैप, ये मोस्टली फ्लेक्सी कैप टाइप में रन होता है अक्रॉस द मार्केट कैप्स। यहाँ पे हमारा मेन क्राइटेरिया इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो हम बोलते हैं कि हमें एक स्टॉक में एंटर करने से पहले मिनिमम वी नीड 1 मिलियन डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए इन दैट स्टॉक, ट्रेडिंग वैल्यू इन दैट स्टॉक, सो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज अ रिजल्ट जनरली द पोर्टफोलियो बेंट ऑफ क्वांटम लॉन्ग टर्म एंड टैक्स सेविंग फंड इज थोड़ा लार्ज कैप फोकस्ड है, इट्स मोर लार्ज कैप लिक्विड पोर्टफोलियो। एंड एज आई सेड, इनका कंपैरिजन आप देखेंगे विद अदर फंड हाउसेस, अदर इंडेक्सेस, तो आप देखेंगे कि वैल्यू एज अ स्टाइल अभी फेवर में है, एटलीस्ट पोस्ट कोविड फ्रॉम अ लास्ट पीरियड, सो वी हैव आल्सो काइंड ऑफ डन वेल, और हमारी ये एंटिसिपेशन है कि ये स्टाइल अच्छा करेगा, क्योंकि अभी
देर इज फोकस ऑन वैल्यूएशन, इन्वेस्टर्स आर वेरी कि आप क्या पे करेंगे फॉर अ यू नो फॉर द कंपनी दैट यू आर बाइंग, सो दैट बिकॉज ऑफ वेयर द इंटरेस्ट रेट्स आर. सो अगर इंटरेस्ट रेट कट्स की भी बात हो रही है मे बी 1 ईयर डाउन द लाइन, बट स्टिल आप अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स वुड बी स्टिल हायर देन वॉट इट वॉज मे बी यू नो 2010 या 2020 के दौरान. सो वैल्यू एज अ स्टाइल अकॉर्डिंग टू अस अच्छा करना चाहिए इन दैट पेस. एंड हमारे अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक स्मॉल कैप फंड का भी एनएफओ किया था. सो हियर अगेन द फोकस इज यू नो लॉन्ग टर्म में आपका एक्सपेक्टेशंस यू नो रिटर्न फ्रॉम दिस सेगमेंट क्या हो. एंड इन आर एक्सपीरियंस दिस कैटेगरी हैज डन वेल एंड वी ऑल्सो वॉन्ट कि इन्वेस्टर्स को अनदर एवेन्यू हो टू इन्वेस्ट इन क्वांटम थ्रू स्मॉल कैप्स. सो दैट इज ब्रॉडली हमारे फंड्स मोस्टली इक्विटी फंड्स. इस इनके लास्टली मैं एक और फंड की बात करूंगा, ईएसजी फंड. सो हियर हम लोग फुल फोकस जो इन्वेस्टमेंट टीम का होता है कि कंपनी का ईएसजी मैट्रिक्स कैसे हैं. ईएसजी मैं बोलूंगा एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस. सो हमारा की फोकस इसमें है कि हाउ अ कंपनी इन पैरामीटर्स पे अच्छा चल रहा है. सो आप मोस्टली ये फंड्स का पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो ये भी लार्ज कैप ग्रोथ बायस्ड है. एंड इनका भी फंड परफॉर्मेंस इज प्रीटी डिसेंट आप अगर देखें पिछले 3 साल से सिंस द. जी, एज अ फंड हाउस मैं आपसे जानना चाहूंगी किन सेक्टर्स पर आप लोग अभी इस वक्त फोकस कर रहे हैं? राइट. सो क्लियरली हमारे यू नो आप अगर पोर्टफोलियो देखें तो वी आर ओवरवेट ऑन फाइनेंशियल्स. आप देखें फाइनेंशियल में काफी बैंक्स, बिकॉज बैंक्स हमारे हिसाब से अगर आप 3 या 4 साल का व्यू ले तो काफी अच्छे क्रेडिट साइकिल में है. रिटेल क्रेडिट तो में ग्रोथ आ रहे हैं एंड बट मोर इम्पोर्टेंटली हमारा ये मानना है कि कॉर्पोरेट थोड़े लैग के साथ पिकअप होना चाहिए. एंड वो कॉर्पोरेट जी ग्रोथ अगर आप देखें वो एब्सेंट था फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स. एज अ रिजल्ट योर ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ फॉर अ बैंक काफी अच्छा होना चाहिए एंड एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छा है. वी आर नॉट सीइंग कोई भी बैंक्स में एनी मेजर डिसरप्शंस एसेट क्वालिटी फ्रंट पे. आप देखें क्रेडिट कॉस्ट सबको सरप्राइज किया है ऑन द नेगेटिव साइड. इट हैज बीन प्रीटी गुड. सो वो पर नॉर्मलाइज होगा बट स्टिल वी थिंक एट द वैल्यूएशंस जैसे हमारे बैंक हमारे पोर्टफोलियो मोस्टली प्राइवेट बैंक्स हैं मे बी विद द एक्सेप्शन ऑफ एक. प्राइवेट बैंक्स का वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है एट करंट लेवल्स. सो बैंक्स हमारे लिए लार्ज ओवरवेट है. इंक्रीजिंगली आईटी जो काफी अच्छा किया था कोविड के दौरान, बट जी अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू अस उनमें भी काफी वैल्यूएशन कंफर्ट है. दो नियर टर्म में थोड़े चैलेंजेस हैं बट जैसे ही ग्लोबल रिकवरी आएगी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेंड्स, सो इंडियन आईटी फर्म्स भी काफी अच्छा करेंगे इन दैट सेंस. सो वहां पे हमारा फोकस एरिया है. एंड लास्टली ऑन ऑटोज ऑल्सो हम लोग काफी पॉजिटिव हैं. आप अगर देखें तो 2 व्हीलर्स की वॉल्यूम रिकवरी काफी सब्ड्यूड थी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट अभी हम देखें स्पेशली 2 व्हीलर मास सेगमेंट में थोड़ा वॉल्यूम रिकवरी आ रहा है. एंड अभी अगर देखें तो रिप्लेसमेंट डिमांड कभी ना कभी इन 2 व्हीलर्स में हैज टू कैच अप. अगर एंड वो जब होगा वी थिंक देर कैन बी वैल्यूएशन री रेटिंग इन मेनी ऑफ दीज स्टॉक्स. और अभी वैल्यूएशन काफी सप्रेस्ड है फॉर मेनी ऑफ दीज ऑटो नेम्स स्पेशली ऑन 2 व्हीलर. सो ये तीन सेक्टर्स हमें यू नो वी आर क्वाइट ओवर. एक बार परसेंटेज के हिसाब से मैं ये समझना चाहूंगी, अगर 10,000 का किसी के पास कॉर्पस है और वो उसे इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है तो किस किस तरह के फंड्स में और किन किन में आप इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे, किस तरीके से वो अपने पूरे एसेट को एलोकेट कर सकते हैं? राइट. सो जैसे मैंने कहा आपका बेसिक लिविंग एक्सपेंस जो आपके हिसाब से जो भी है वो हटाकर आप अगर निवेश करना चाहें 10,000 रुपीज को, सो हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20% आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड एक इंश्योरेंस है कि थिंग्स गोइंग बैड. राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और 80% आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें. इक्विटी फंड्स में आपको वैरायटी ऑफ स्टाइल्स के में एक्सपोजर मिलना चाहिए. जैसे मैंने बोला वैल्यू इज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और
आप जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे आप अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक पिरामिड के शेप में है, लाइक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज आपका लार्ज लिक्विड स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो काफी सेफ होना चाहिए, राइट, जहां पे जी हमारा वैल्यू फंड आता है। उसके ऊपर आप जाएंगे एज यू गो अप द पिरामिड, आपका रिस्क बढ़ता रहेगा, सो एंड रिटर्न्स भी कमेंसुरेटली कैन इंक्रीज। सो उसके ऊपर आपका ग्रोथ स्टाइल होना चाहिए, ग्रोथ स्टाइल में भी आपका एक्सपोजर होना चाहिए। सो वो ग्रोथ स्टाइल कैन बी थ्रू क्वांटम ईएसजी फंड एंड देर आर मेनी अदर फंड्स इन द इंडस्ट्री। एंड फर्दर इंक्रीज आप जाएंगे अप द पिरामिड, जहां पे आपका एलोकेशन कम होना चाहिए रादर रिलेटिव टू द पिरामिड एंड द ग्रोथ स्टाइल जो मैंने बोला, वहां पे आप स्मॉल मिड की सोच सकते हैं। जैसे मैंने स्मॉल कैप हम रिकमेंड करते हैं, आपका पोर्टफोलियो का 15% होना चाहिए। जी सो दैट इज हाउ 10,000 आपको इन्वेस्ट करना है, दैट इज हाउ यू शुड थिंक। जी साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, बहुत बार ऐसा होता है जब नए निवेशक होते हैं उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो कई तरह के फंड हाउसेस में बहुत सारे वो म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, ऐसे में क्या फंड्स में भी कैपिंग होनी चाहिए? मैक्सिमम आपको क्या लगता है कि कितना उन्हें अपना फंड, मतलब अगर 10,000 ही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसको? तो ये भी काफी देखा जाता है कि कहीं सारे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन के जगह पे ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। सो आपको मोस्टली लार्ज कैप फंड्स में आप अगर इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि अभी सेबी का कैटेगरी काफी क्लियर है, जैसे लार्ज कैप में देर इज लार्ज एंड मिड, देन देर इज स्मॉल और मिड कैप, देर आर काफी कैटेगरी इधर, राइट। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना हो रहा है, लाइक अगर लार्ज, अगर 10,000 फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, तो आप लार्ज कैप में ही सब फंड सेलेक्ट करें तो आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा, राइट, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन। सो आपको वो स्प्रेड आउट करना है बेस्ड ऑन योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, कि आपको वो कैटेगरी में, तो सेबी के क्लासिफिकेशन इन्वेस्टर को काफी आसान इजी बना दिया है कि आप ईच कैटेगरी में आप कोई फंड लीजिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हिस्टोरिकल अच्छा है या फिलोसफी क्लियर है, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क हो सकता है, बट आप अगर वो कैटेगरी वाइज देखें, और अगर जैसे क्वांटम में हम लोग बोलते हैं कि 15% आप स्मॉल कैप एक्सपोजर दीजिए, वैल्यू के लिए आप थोड़ा एक्सपोजर रखिए, ग्रोथ के लिए एक्सपेक्टेशन रखिए, मे बी स्मॉल मिड इज अदर कैटेगरी, तो आप अगर वैसे लें तो आपको पूरा रिस्क ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाता जी साथ ही हम देख रहे हैं कि नए नए फंड हाउसेस भी आ रहे हैं, ऐसे में जब फंड हाउस को सिलेक्ट करें तो इन्वेस्टर्स को किन चीजों को अपने जहन में रखना चाहिए और किन सावधानियों के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? है। हाँ, तो नए फंड हाउसेस, आई थिंक एनी इन्वेस्टर, ये आप फाइनेंशियल प्लानर से भी आप कंसल्ट कीजिए इस बारे में, कि द मेन थिंग इज कि फिलॉसफी ऑफ द फंड काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट, काफी फंड हाउसेस में नहीं होता, तो वो आपको मे बी ऑब्जर्व करना है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड क्लियरली अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज अ फिलॉसफी। सो बेसिस दीज फ्यू थिंग्स आप एक क्लियर एन इन्वेस्टर डिसीजन पॉइंट पे आ सकते हैं कि मेरे को इन्वेस्ट करना है नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि काफी टाइम फंड्स उधर भी अच्छे होते हैं, तो वो केयरफुली एनालाइज करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए हमें और इतने सारे हमारे मन में जो सवाल थे और हमारे व्यूअर्स को और अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तन्वी। उम्मीद है आपको इस इंटरव्यू के जरिए निवेश करने की स्ट्रैटेजी के बारे में और क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।